हमारे खेत की सरसों निकलवाने के लिए हमने ये वाली मशीन मंगवाई है। मशीन तो सुबह सुबह ही आ जाती है, लेकिन हम खेत पे जाने के लिए अभी तैयार नहीं हुए थे। मम्मी धनिये की चटनी बांटने लग जाती है, क्योंकि आज हम धनिये की चटनी खेत पे लेके जाएंगे। खेत पर चटनी से खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ये मशीन तो खेत पे जाने के लिए निकल जाती है और हम पानी की बाल्टी लेकर के उसको ट्रैक्टर में जमाने लग जाते हैं, क्योंकि खेत पर पानी नहीं है और काम करते समय प्यास बहुत लगती है। मम्मी और चाची को तो मैं ट्रैक्टर में बिठा करके ही खेत पे रवाना कर देता हूँ, और मैं थोड़ी देर बाद में बाइक पर बैठ करके खेत के लिए रवाना हो जाता हूँ। खेत पर पहुँचते ही हम मशीन को जल्दी से चालू करवा देते हैं और सरसों निकालने लग जाते हैं। हमने कुछ आदमी भी किए हैं ताकि मशीन के अंदर सरसों जल्दी जल्दी डाला जा सके। ये वाली मशीन एक बीघा की सरसों निकालने के लिए 1200 रुपए चार्ज करती है। वैसे तो ये मशीन बहुत ही फास्ट काम करती है, कुछ ही देर में हमारी पूरी सरसों निकल जाती है। इस मशीन की खास बात यह है कि ये सरसों और कूटे को दोनों को अपने अंदर स्टोर करती जाती है। मशीन के अंदर पूरी सरसों भरने के बाद में हम उसे अलग से ट्रॉली लगा करके बाहर निकलवा लेते हैं। थोड़ी ही देर में ये पूरी सरसों को ट्रॉली के अंदर निकाल देती है, और इस पीछे वाले बॉक्स के अंदर भी सरसों का कोटा पूरा भर जाता है और इसे हम खाली करवा देते हैं। पूरा काम कम्प्लीट होने के बाद में राजस्थान के अंदर ये वाला काम सबसे नॉर्मल है।